देश की राजधानी दिल्ली के देवली एक्सटेंशन इलाके से इंसानियत को झंझोर कर रख देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक पिता ने अपने ही बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी, वो भी ऐसे दिन जिस दिन बेटी की शादी थी। मृतक की पहचान गौरव सिंगल के रूप में हुई है। वो पिछले कई वर्षों से जिम संचालक के रूप में काम कर रहा था। मामले की जानकारी देते हुए दक्षिण दिल्ली जिले के DCP अंकित चौहान ने बताया कि बुधवार देर रात 12:30 पर इस मामले की PCR पुलिस को जानकारी मिली थी। इसमें बताया गया था कि देवली एक्सटेंशन के राजू पार्क में एक शख्स पर जानलेवा हमला किया गया है। हमारे पास तो फोन आया कि उसका भतीजे का मर्डर हो गया। जब हम यहाँ आए तो उस टाइम तक तो हॉस्पिटल ले जा चुके थे, बस उसके बाद पुलिस आई है, पुलिस अपनी कार्रवाई की। अच्छा, उसके बाद जो है क्या करते थे, क्या नाम था उनका, क्या उम्र था? उम्र होगी लगभग 27-28 साल की। परिवार ठीक था, दो भाई हैं, एक वो बड़ा था जो, एक छोटा था, माँ बाप हैं। साजी भी ठीक थे, यहाँ पे भैंस बांधी हुई थी, यहीं पे रहते थे ज़्यादा। अच्छा, वो भी कल से मिसिंग है, जब से रात से। आपको बता दें कि पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां युवक को खून से लथपथ देखा। इसके बाद उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच के दौरान युवक के पिता के गायब होने के बाद पुलिस को उन पर शक हुआ। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गुरुवार शाम को उसके पिता को भी हिरासत में ले लिया। जांच में पता चला कि मृतक के ऊपर किसी धारदार हथियार से वार किया गया था। इस घटना के बाद घर में मातम पसर गया है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को ही गौरव की शादी थी, जिसके चलते घर में काफ़ी ज़्यादा मेहमान भी आए हुए थे, साथ ही शादी की रस्में की जा रही थी। घटना की सूचना के बाद आसपास के लोग स्तंभ हैं। वहीं पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर कोई बाप अपने बेटे को ऐसे कैसे मार सकता है। लेकिन अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि इस हमले की वजह क्या थी। लेकिन इन सब के बीच जो अभी भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर बाप और बेटे के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।